hope you all are doing fine. So, I am your English teacher. Today I am going to explain your English grammar topic, that is naming words. For class first, so students, आपको पता है naming words क्या होते हैं? Yes or no? बेटा naming words, यहाँ पर लिखा है naming. यहाँ पर हम लोगों को identify होता है कि हम किसी के नेम की बात कर रहे हैं. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ का नेम होते हैं. नेम किसी चीज़ का नेम हो, पर्सन किसी पर्सन का नेम हो, किसी इंसान का नेम हो. नेम ऑफ एनिमल किसी एनिमल का नेम हो. नेम ऑफ प्लेस किसी प्लेस का नेम हो. और नेम ऑफ एनी थिंग. नेमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? किसी भी चीज़ का नेम होते हैं. और वो कौन कौन से चीज़ें के नेम होते हैं? पर्सन्स के नेम होते हैं, जो भी इंसान है उन सभी के नेम होते हैं. आपके आसपास जितने भी बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का नेम है. आपके फादर, मदर, फैमिली मेम्बर्स सभी के कोई ना कोई नेम है, तो नेमिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आएगा. एनिमल्स, एनिमल्स के नेम होते हैं, डॉग, कैट, काउ, गॉड. ओके, प्लेस, कोई भी प्लेस है जिसका नेम है वो क्या कहलाएगा? नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में है. थिंग्स जिनकी नेम्स है वो सारी नेमिंग वर्ड्स की कैटेगरी में है. तो नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो किसी का नाम बताते हैं, वो सारे नेम्स क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. हम लोगों को इन पिक्चर्स को देखना है और इनके जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं उन्हें रीड करना है. सो यहाँ पर क्या है? बॉय. यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है आपको? गर्ल. यहाँ पर टीचर. यहाँ कौन है? एक बेबी के साथ मदर है. यहाँ पर एक आंटी है. यहाँ पर कौन है? सोल्जर है. यहाँ पर फायरमैन है. यहाँ पर कौन है बेटा? डॉक्टर है. और यहाँ पर एक डांसर है, एक दीदी है जो डांस कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द नेम्स ऑफ पीपल. नेम्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. जो भी इन पीपल्स हैं, यहाँ पर जितने भी पीपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के जो नेम्स हैं वो क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. यहाँ पर आप पिक्चर्स को देखें, यहाँ पर क्या है? एक फैक्ट्री है, दिखाई दे रही है आपको. सेकेंड पे एक हाउस है. थर्ड में क्या है? गार्डन है. फोर्थ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स है. जहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? जू. यहाँ पर क्या है? गैरेज है. यहाँ पर कौन है? पुलिस मेन है. और जो कहाँ पर खड़ा है? पुलिस स्टेशन पर खड़ा है. ये क्या है? किसी जगह का ऑफिस है. ये मार्केट है. और यहाँ पर क्या है? ये सिनेमा हॉल है. सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या है? बेसिकली किसी ना किसी प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो ऐसी कोई भी प्लेस जिसका नेम होता है वो नेमिंग वर्ड्स में आते हैं. स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पेज है. यहाँ पर हम लोगों को मेज्ड कॉलम दी है. इसमें हम लोगों को जो पीपल्स है, यहाँ पर हम लोगों को पीपल्स दे रखे हैं और यहाँ पर प्लेस है. तो हमको यहाँ के जो पर्सनस है उसको पर्टिकुलर वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं उससे हमें मेज करना है. तो फर्स्ट में देखते हैं टीचर. स्टूडेंट्स, टीचर्स कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं क्या? एयरपोर्ट पर, रेस्टोरेंट में, स्कूल में और फार्म में. टीचर्स कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं. तो आप इसे मैच कर दीजिए अपनी बुक में. सेकंड, फार्मर. फार्मर मतलब कौन होता है? किसान. सो स्टूडेंट्स, फार्मर्स कहाँ होते हैं? किसान कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं या फार्म. फार्म मतलब जहाँ पर वो खेत रहता है उसे फार्म बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो किसान होते हैं वो कहाँ होते हैं? फार्म पर होते हैं. तो मैच कर दीजिए आप अपनी पेंसिल से बुक में. थर्ड है डॉक्टर. डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं क्या? यस. तो हम डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है शेफ. शेफ वो होते हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना बनाने का काम करते हैं. तो वो कहाँ पर होंगे? एयरपोर्ट पे होंगे कि रेस्टोरेंट में होंगे बेटा? रेस्टोरेंट में होंगे शेफ्स. तो उसे मैच कर दीजिए. लास्ट में है पायलट. पायलट वो पर्सन होता है जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का काम करते हैं. तो वो कहाँ पर होंगे?
एयरपोर्ट पे होंगे उसे मैच कर दीजिए. ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 4. अब यहाँ पर आप पिक्चर्स को देखिए, डॉग, आउल, एलिफेंट, शीप, फिश, मंकी, हॉर्स, रोस्टर, टाइगर. बेटा ये सारी कौन सी कैटेगरी के नेम्स है? एनिमल्स है ये सारे. तो एनिमल्स के जो नेम्स है वो भी नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अब यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनको देखिए और इनके नेम्स रीड करते हैं. फर्स्ट है चेयर, अम्ब्रेला, पेंसिल, चॉकलेट, बेंच, एरोप्लेन, क्लॉक, बॉल, क्रेयॉन्स. तो ये सारे किस चीज़ के नेम्स है? थिंग्स के नेम हैं. तो स्टूडेंट्स, जितनी भी थिंग्स होती है जिनके नेम्स है, जैसे लाइक चेयर, अम्ब्रेला, पेंसिल्स, जो जितनी भी थिंग्स है उनके जो नेम्स होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. तो बेसिकली नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम होते हैं किसका? पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग का. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम पेज नंबर 6 पर आ गए हैं. यहाँ पर हमको सेकंड क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द एनिमल्स टू द एनिमल्स बॉक्स, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द थिंग्स टू द थिंग्स बॉक्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बॉक्स में एनिमल लिखा है और एक बॉक्स में थिंग्स लिखा है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है इन पिक्चर्स को कि कौन सी चीज़ एनिमल है और कौन सी चीज़ थिंग्स है. अगर एनिमल है तो उसको एनिमल वाले बॉक्स से ड्रॉ करके मैच करना है, और जो थिंग्स है उसकी ड्रॉ लाइन करनी है हमको थिंग्स वाले बॉक्स पे. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है? फिश. ये क्या है, एनिमल ही की थिंग है? एनिमल है. तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस बॉक्स पे. सेकंड है रैट. रैट, रैट क्या है, एनिमल है कि थिंग्स है? एनिमल है. तो इसको हम एनिमल से ड्रॉ करेंगे लाइन को. थर्ड है क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल क्या है, एनिमल है कि थिंग्स है? एनिमल है. तो इसे भी हम एनिमल वाले बॉक्स पे ड्रॉ करेंगे लाइन को. सो फोर्थ पे राइनो है. तो इसको क्या है, ये एनिमल है कि थिंग्स है? एनिमल्स है. तो एनिमल से टिक कर देंगे इसे. नेक्स्ट है लैम. लैम कोई एनिमल है क्या? नो, ये तो कोई थिंग्स है. तो इसको हम थिंग्स से अटैच कर देंगे. नेक्स्ट है काइट. काइट एनिमल है? नो, तो इसको हम थिंग्स से ड्रॉ करेंगे लाइन को. हियर इज टेबल. टेबल एनिमल होती है? नो, इट्स अ थिंग. तो इसको लाइन ड्रॉ करके हम इसे अटैच कर देंगे. नेक्स्ट है स्क्वायरल. स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी. अब ये बताइए, ये एनिमल है कि थिंग्स है? इट्स अ एनिमल. सो इसको हम एनिमल वाले बॉक्स से ड्रॉ करेंगे. यहाँ है हॉर्स. हॉर्स एनिमल है या थिंग्स है? एनिमल्स है. तो इसको हम एनिमल्स वाले बॉक्स से अटैच करेंगे. नेक्स्ट है शूज़. शूज़ कोई एनिमल है क्या? नो, इट्स अ थिंग्स. तो शूज़ को हम थिंग्स वाले बॉक्स से अटैच करेंगे. नेक्स्ट है चेयर. चेयर एनिमल है? नो, ये तो कोई थिंग्स है. तो अब इसको हम थिंग्स वाले बॉक्स से अटैच करेंगे. स्टार. स्टार कोई एनिमल होता है? नो, ये थिंग है. तो इसको स्टार को थिंग्स से अटैच करेंगे. लास्ट है डॉग. डॉग एनिमल है कि थिंग है? डॉग तो एनिमल है. तो इसको एनिमल्स वाले बॉक्स से अटैच कर देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को नेमिंग वर्ड्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर होगी.